पूछेगा। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे बताएं आप लोगों ने?
जी लास्ट टाइम क्या पढ़े थे हम लोग? किसी को याद नहीं हम क्या पढ़े थे लास्ट टाइम? मैम मेटाहिस्टिक्स पढ़े थे। हिस्टिक हमने पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था एक एल्गोरिथम पढ़ा था हिल क्लाइंबिंग, ठीक है। और हिल क्लाइंबिंग में मैंने आपको कहा था कि मेटाहिस्टिक्स वहां पर यूज होते हैं जहां पर आप जो स्टार्टिंग स्टेट होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती और गोल स्टेट भी के भी बहुत ज्यादा मल्टीपल चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि एट क्वींस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि आपने एट क्वींस हैं और उनको बोर्ड पे इस तरह से अरेंज करना है कि उनका आपस में कोई क्लैश ना हो, ठीक है। तो अगर मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक एक चेस बोर्ड दूं और एट क्वींस दूं तो डेफिनेटली हर कोई अपनी एक स्टार्टिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेगा और एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर एंड अप करेगा, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशंस जहां पर हमारे पास कोई डेफिनेट एक डिटर्मिनिस्टिक स्टार्टिंग स्टेट नहीं होती ना ही एक डिटर्मिनिस्टिक गोल स्टेट होती है, वहां पर हम मेटा हेरिस्टिक्स को यूज करते हैं और ये बेसिकली हमें गाइड करते हैं कि हमने फर्दर जो है किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, ठीक है। डेफिनेटली आपने क्या करना है, जो हिल क्लाइंबिंग है, सॉरी जो एट क्वींस प्रॉब्लम है, वहां पर आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। सो आप बॉटम डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे, जो आपका जो इसकी एप्लीकेशंस थी हमने कहा था कि फ्लोरिंग प्लान्स जो होते हैं वो इसके तरीके से हम इसके थ्रू हम करते हैं। तो जो फ्लोरिंग प्लान्स हैं जिसमें आपने अपनी ऑक्यूपेंसी जो है, एक फ्लोर है उसके ऊपर आपने ऑक्यूपेंसी को मैक्सिमाइज करना है, आपने फॉर एग्जांपल ऑफिसेज बनाने हैं या आपने वहां पर डेस्क रखने हैं और आपने मैक्सिमम वहां पर ऑक्यूपेंसी देखनी है, तो वहां पर आप मैक्सिमम डायरेक्शन में यानी कि टॉप की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो प्रॉब्लम यहाँ पर जो थी, मेन एक प्रॉब्लम जो आ रही थी हिल क्लाइंबिंग के अंदर वो ये आ रही थी कि हिल क्लाइंबिंग के अंदर आप अगर स्टक हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये वाला सॉल्यूशन हमने देखा था, इसमें हमने कहा था कि एक जो क्वीन है ना, दो क्वींस आपस में दूसरे को अटैक कर रही है, ठीक है, बाकी कोई क्वीन अटैक नहीं कर रही, ये दो क्वींस आपस में दूसरे को अटैक कर रही है, ठीक है। और अगर हम, ये आपकी बुक का केस है और बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी एक भी क्वीन को मूव करते हैं तो आपकी जो अटैक्स हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं जी, आप लोकल मैक्सिमम के ऊपर आप स्टक हो चुके हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो अटैक्स हैं वो नियर टू जीरो हैं, ठीक है। बेसिकली लोकल मैक्सिमम नहीं, आप लोकल मिनिमम के ऊपर, लोकल मिनिमम के ऊपर आप यहाँ पर स्टक हो चुके हुए हैं, ठीक है। आपके अटैक्स जो हैं वो वन है और आपने जीरो अटैक्स पे जाना है, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी मूव करते हैं तो आपके अटैक्स जो हैं वो यहाँ से किसी सूरत कम नहीं होते, बल्कि इसको थोड़ा सा मुझे ना इस तरह बनाना चाहिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है जी, सो यहाँ पर जीरो है अटैक्स, यहाँ पर अटैक वन है और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर आप वन है, जैसे ही आप यहाँ से ऊपर जाएंगे या यहाँ से ऊपर जाएंगे, आपके अटैक्स जो है वो बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पहुंच कर क्योंकि आप स्टक हो गए हैं, तो इसको रिजोल्व करने का तरीका ये था कि आप जो है अपने आप को रैंडमली रीस्टार्ट कर लें। पहले आपने यहाँ से रीस्टार्ट किया था, आपने यहाँ से शुरू किया था, आप स्टक हो गए थे, तो अब आप यहाँ से स्टार्ट कर देखे देखें, आप फिर मे बी यहाँ पर स्टक हो जाएं, फिर आप कहीं और से स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, आप फिर यहाँ स्टक हो जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लें, फिर कहीं स्टक हो जाएंगे, करते 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 आप किसी ना किसी टाइम पे यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आप जो है अपहिल डायरेक्शन के अंदर जो ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम है वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, सो ये इसकी एक इम्प्रूवमेंट थी जिसको हम कहते हैं रैंडम रीस्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो इम्प्रूवमेंट है इसको हम कहते हैं लोकल बीम सर्च, ठीक है। आपने देखा कि जी यहाँ पर क्या हमने किया है, जो हमारा ये वाला हिल क्लाइंबिंग वाला एल्गोरिथम था, इसके अंदर हमने क्या किया कि जी यहाँ से पहले स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंच के स्टक, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टक हो गए,
यहाँ से स्टार्ट किया इधर स्टक हो गए, ठीक है। तो बजाय हम बार बार जो अपने आप को रैंडम रीस्टार्ट कर रहे हैं, कभी यहाँ पर आते हैं, कभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द पोजीशंस एट द सेम टाइम, ठीक है, कि हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर लें शुरू में, यहाँ से भी स्टार्ट कर लें बजाय बाद में वेट करने के, इधर से भी स्टार्ट कर लें, इधर से भी स्टार्ट कर लें, इधर से भी स्टार्ट कर लें और इधर से भी स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो अब हमने जब हर पोजिशन से अपने आप को स्टार्ट कर लिया ना, तो हमारे पास मेमोरी अगेन वही है, सिंपल सिंगल स्टेप मेमोरी है, हम वन स्टेप एट अ टाइम जो है वो चलते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से भी हम वन स्टेप ऊपर गए, यहाँ से भी हम वन स्टेप ऊपर गए, यहाँ से भी हम वन स्टेप ऊपर गए, इधर से भी ऊपर गए और इधर से भी ऊपर गए और इधर से भी ऊपर गए। अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट्स हैं जिससे हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये सारे पॉइंट्स जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये सब इक्वल हैं, ठीक है, और ये पॉइंट जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने मोस्ट प्रॉमिसिंग जो पॉइंट्स हैं उनको हमने कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बल्कि मैं इसकी आपको ना एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, एक पॉइंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया, एक पॉइंट इधर से स्टार्ट किया और एक पॉइंट इधर से स्टार्ट किया। अब जब आप वन स्टेप ऊपर जाएंगे, इधर इधर हियर हियर टोटल आपने 5 पॉइंट्स सेलेक्ट किए, ठीक है। 5 से आगे आपको 5 पॉइंट्स मिले हैं, उसमें से आप क्या करेंगे जी, जो मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ्स हैं, ठीक है, मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ्स जो होंगे वो पाथ्स होंगे जो हाईएस्ट पे हैं। अगर आप मैक्सिमम तक जाना चाह रहे हैं तो वो पाथ्स हाईएस्ट होंगे, ठीक है। सो एक ये हाईएस्ट पॉइंट है, एक ये हाईएस्ट पॉइंट है और एक ये रिलेटिवली हाईएस्ट पॉइंट है। बाकी दोनों पॉइंट्स जो है उनको आप डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप आगे मजीद ट्रेवल करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेवल किया मजीद आगे। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं, तीनों ही हाईएस्ट पॉइंट्स हैं एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ से आप मजीद आगे जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आप इधर गए, इधर से आप इधर गए और इधर से आप यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप कैंसिल कर देंगे और जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इनसे आप मजीद आगे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और ऑलरेडी आप ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुँच गए हैं। इस एल्गोरिथम को हम कहते हैं लोकल बीम सर्च। लोकल बीम सर्च में क्या होता है कि हम रैंडम पैरेलल स्टार्टिंग पॉइंट्स को रन करते हैं, ठीक है, और उसमें से हमेशा के मोस्ट प्रॉमिसिंग जो स्टेट्स होती हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये लोकल बीम सर्च जो है ये उसका एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है, इसको काइंडली रीड कर लें। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम आपकी आवाज बीच-बीच में से कट जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। बहुत स्लो हो जाती है बेटा, वो इस वजह से है कि यूनिवर्सिटी का जो वाईफाई है मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, पीसी जो है मेरा उसके साथ, मैंने बहुत सारे हेडफोन्स लगा कर देखे हैं, कोई भी हेडफोन्स जो है वो मेरा पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली मैंने एक पीसी अपने जो सिस्टम है ऑफिस का उसके ऊपर मैंने स्लाइड्स खोली हुई हैं और मैं जो वॉइस है वो अपने फोन से दे रही हूँ और फोन जो है वो दैट इज कनेक्टेड टू द वाईफाई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शायद आपको प्रॉब्लम है। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन कहीं से मिसिंग हो गया तो आप मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन किसी का?
नेक्स्ट आज जो हमने टाइप पढ़नी है मेटा हेरिस्टिक की, मैंने आपको बताया था मेटा हेरिस्टिक जो थे हमारे पास उनकी थ्री टाइप्स, ठीक है। एक तो हमारे पास था प्रोजेक्टरी बेस्ड मेथड, जहाँ पे हमने या तो टॉप पे जाना है या बॉटम पर जाना है, ठीक है। दूसरा एक जो था वो वेरिएबल नेबरहुड सर्च थी, ठीक है, उनको हम पॉपुलेशन वेरिएबल नेबरहुड सर्च थी। और तीसरा मेथड जो था वो पॉपुलेशन बेस्ड मेथड था, ठीक है। सो वेरिएबल नेबरहुड सर्च जो है उसके अंदर हम देखेंगे एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम को, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ये आपका वेरिएबल नेबरहुड मेथड है, ठीक है। और वेरिएबल नेबरहुड मेथड जो है उसके अंदर हम जो सबसे पहले एल्गोरिथम जो है उसको हम देखेंगे, दैट इज स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। स्वार्म क्या होता है जी? स्वार्म होता है एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल होता है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं या इकट्ठे एक्ट करते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि चूंटियां इकट्ठी रहती हैं, ठीक है, ग्रुप्स में रहती हैं, बहुत सारे एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास जो वेरिएबल नेबरहुड बेस्ड मेथड्स हैं, ये नेबरहुड बेस्ड मेथड्स जो हैं ये इंस्पिरेशन है बायोलॉजिकल सिस्टम से, ठीक है। और इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में प्रोजेक्टरी बेस्ड मेथड में हमारे पास क्या होता था जी? वन स्टेप एट अ टाइम या मल्टीपल स्टेप्स एट अ टाइम, ठीक है। और हमारे पास कंट्रोल होता था, ठीक है, कंट्रोल ये होता था कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, क्या ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये करंट स्टेप से बेहतर है? हाँ बेहतर है, तो हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, या नीचे आ जाते हैं, जिस तरह से भी हमने करना होता है। स्वार्म जो एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पर कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर का मतलब है तमाम ग्रुप मेंबर्स जितने भी हैं उस ग्रुप के अंदर वो तमाम के तमाम अपना काम कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेबर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है ये फास्ट होता है और आइटरेटिव अपडेटिंग यहाँ पर भी होती है, और जो आपके सॉल्यूशंस जो हैं लेस डिजायर्ड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका रिमूवल भी होता है यहाँ, ठीक है। सो स्वार्म होता क्या है, मैंने आपको बता दिया था, स्वार्म इज व्हेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स जनरली एक्ट टूवर्ड्स अ सिंगल गोल, ठीक है। टर्माइट्स हैं, एंट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये आपने बर्ड्स का देखा होगा स्वार्म, आप जब भी बर्ड्स को देखें बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो ग्रुप में उड़ते हैं, अगर आप नेट जियो वगैरह पर आप सर्च करें तो बड़े बड़े फ्लॉक्स में बर्ड्स जो हैं अक्सर विंटर्स में माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स अफ्रीका जहाँ पर गर्मी होती है, ठीक है, या ऐसी कंट्रीज में जो हमेशा गर्म रहते हैं, ठीक है। और जब भी वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो इसी तरह से फ्लाई करते हैं, यही उनकी शेप होती है। इसी तरह फिश हैं, वो भी ग्रुप्स में रहती हैं, फिर ये टर्माइट है, ठीक है, ये एंट्स हैं, ये फंगस है, ठीक है। सो क्यों रहते हैं जी ये इस तरह से, क्यों रहते हैं इस तरह से? इसलिए रहते हैं ताकि ये अपने आप को क्या खाना तलाश कर सकें, माइग्रेट कर सकें और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एनिमी से, ठीक है। और बहुत सिंपल होते हैं, और अगेन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, ठीक है। सो फर्स्ट एल्गोरिथम जो हमने यहाँ पर देखना है वो विच इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम, दैट इज पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन जो है उसमें क्या होता है कि हर एक जो मेंबर होता है ना, ठीक है, वो हर एक इंडिविजुअल जो होता है उस ग्रुप के अंदर, उस स्वार्म के अंदर, वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ड्राइविंग सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होगी कि आपकी गाड़ी कितनी अच्छी है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स कितनी अच्छी है और आप कितनी स्पीड पर गाड़ी चला सकते हैं, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि सड़क कितनी खुली है, हाईवे है या कोई आम सी रोड है या कोई स्ट्रीट है। आपकी ड्राइविंग जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आपके आसपास जो है वो गाड़ियाँ किस स्पीड के ऊपर जा रही हैं, ठीक है। वो इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आपकी जो रोड क्वालिटी है वो क्या है, ठीक है। सो इर्द गिर्द की बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो डिटरमिन करते हैं कि आप गाड़ी किस तरह से चला रहे हैं, ठीक है। सो आप गाड़ी जो है सिर्फ अपने आप को देख के या रोड को देख के नहीं चलाते, आप अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी देख के चलाते हैं। आपके आसपास अगर गाड़ियां जो हैं वो स्लो हो रही हैं तो आप खुद ही स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे को देख के लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है।
सो इसमें सबसे पहले जो हम एग्जांपल करेंगे, इसमें एग्जांपल करेंगे हम ये बर्ड्स की, ठीक है, वही जो हमारे पास ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स था, दिस वन, ठीक है। अब ये बर्ड्स जो है ये हमेशा इस तरह से क्यों जाते हैं, उसकी एक सिंपल सी रीजन है। सिंपल सी रीजन ये है कि ये क्या कर रहे हैं जी, ये फॉलो कर रहे हैं इस ग्रुप, ठीक है। बेसिकली ये ग्रुप जो है, ये सारे जो बर्ड्स हैं, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ये इसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनका कोई लीडर है, ठीक है। बेसिकली इस बर्ड जो है, इस बर्ड को नजर आया कि यहाँ पर कोई प्रॉमिसिंग सिचुएशन है, यहाँ पर कोई फूड है, या यहाँ पर ये कोई अच्छा शेल्टर ढूंढ सकते हैं। इसने इस स्पीड पर यहाँ इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब जो बाकी बर्ड्स हैं जो इसके आसपास मौजूद हैं, जो इसके आसपास बाकी बर्ड्स मौजूद हैं, उन्होंने दो चीजों को देखना है, ठीक है। एक चीज देखनी है ग्लोबल वेरिएबल, और एक देखना है उन्होंने अपना पर्सनल वेरिएबल। सो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो तकरीबन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारे नेबर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर एक बर्ड जो है अपने नेबर और ओवरऑल डायरेक्शन की बेसिस के ऊपर अपनी जो डायरेक्शन है ना, उसको चेंज करेगा, ठीक है। सो अभी तो ये डायरेक्शन बनी हुई है। सो फॉर एग्जांपल ये जो ये वाला बर्ड है, ठीक है, इसको कोई और प्रॉमिसिंग सिचुएशन नजर आती है, ठीक है। तो अब इसका जो पर्सनल बेस्ट है, ठीक है, वो ये है, और इसका जो सारा जो ये ग्रुप है, जो ग्रुप है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इसका अपना पर्सनल जो है ये है, ठीक है, और इसका ग्रुप इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, आहिस्ता 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 इस डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा, ठीक है। बजाय इधर जाने के, अपने ग्रुप को फॉलो करने के, वो इस डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर अब उसको यहाँ पे ही लग रहा है कि यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल पाथ है, ग्रुप उधर जा रहा है, बेस्ट पॉसिबल पाथ इधर है, तो वो क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आता जाएगा, ठीक है। इधर आता जाएगा, इधर आता जाएगा, ये इधर आता जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो सारे बर्ड्स हैं वो उस डायरेक्शन को भी देखेंगे जो कि उनकी ग्लोबल डायरेक्शन है, और अपने नेबर को भी देखेंगे, और नेबर के अकॉर्डिंगली वो भी यहाँ पर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सारे का सारा ग्रुप इस तरह से इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप बर्ड्स को उड़ता हुआ देखें कभी सर्च करके, तो वो बहुत कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, और ये स्वार्म ऑफ बर्ड से इंस्पायर्ड थी, ठीक है। इसकी मैं आपको सिमुलेशन दिखा देती हूँ। एप्लीकेशन इसकी क्या है जी, ट्यूमर एनालिसिस में यूज होते हैं, मिलिंग ऑप्टिमाइजेशन में यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसकी जो है वो एप्लीकेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इसका एल्गोरिदम है। अच्छा, ये जो है ये मैंने आई थिंक किसी और पीसी पे की थी एनोटेशन, तो ये अब यहाँ से रिमूव नहीं हो रही, तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। सो इनिशियली क्या है जी, इनिशियली ये ग्लोबल बेस्ट है जो रेड है, और ब्लू जो है वो एक रेंडम पार्टिकल है, ठीक है। ब्लू जो है उसको ये डायरेक्शन नजर आ रही है, ठीक है, वो बेसिकली सॉरी ब्लू जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ग्लोबली जो उसका ग्रुप है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसको इस डायरेक्शन में कोई बेहतर चीज नजर आ रही है, तो वो क्या करेगा कि वो ग्रीन की डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन उसको ब्लैक की डायरेक्शन में कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता अपना पाथ जो है उसको चेंज कर लेगा, ठीक है। अब अगर यहां पर उसको मजीद कुछ पर्सनल बेस्ट नजर आ रहा है, तो ये उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एकदम से उधर नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसका ग्रुप यहाँ मूव कर रहा है ग्लोबल बेस्ट की तरफ, और उसका पर्सनल बेस्ट जो है वो ये रेड वाला है, तो वो एकदम से नहीं जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वहां पर मूव करेगा। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर मूव करेगा, तो उसके जो नेबरिंग बर्ड्स होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहां पर मूव करना शुरू कर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? मैम ऐसे तो क्या करते हैं, वो पर्सनल बेस्ट से भी जाएगा और ग्लोबल बेस्ट से भी जाएगा, क्या मतलब?
ना वो पर्सनल बेस्ट की तरफ ऐसा ऐसा मूव कर रहा है ना, तो ऑलरेडी फ्लो ग्लोबल बेस्ट की तरफ जा रहा है, तो दोनों के दरमियान में से निकल जाएगा पर्सनल बेस्ट और ग्लोबल बेस्ट के दरमियान में। नहीं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जब उधर मूव करेगा ना, तो उसके आसपास जो बर्ड्स है ना वो भी उसी के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। जो बर्ड्स सारे चल रहे हैं ना वो भी उसी के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। मैंने आपको बताया है कि ये वाला देखिए आप, कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अगर इस ये बर्ड जो है ये थोड़ा सा इधर मूव करना शुरू कर देता है ना, तो बाकी सारे बर्ड्स भी आहिस्ता आहिस्ता इधर मूव करना शुरू कर देंगे। एकदम क्यों नहीं मूव करेंगे, एकदम इसलिए नहीं मूव करेंगे क्योंकि उनकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और इसने कहा जी कि इधर आओ, ठीक है, जब वो उसने कहा है कि इधर आओ तो वो उधर भी जाना चाह रहे हैं, इसको भी फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आहिस्ता 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 वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, आप ये पढ़ लें जरा। ये भी पढ़ लें, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, जो आगे चलते हैं, आगे जो आपका वेरिएबल नेबरहुड मेथड का जो वो है, एक और एल्गोरिथम है, दैट इज एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा एंट्स जो होती है, कोई आप खाने की चीज गिरा दें, आजकल वैसे भी मौसम आ गया है चूंटियों का, आप खाने की कोई भी चीज गिरा दें थोड़ी देर के बाद ना तमाम चूंटियां वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है वो वहां पे क्यों इकट्ठी हो जाती है, मोबाइल फोन कॉल करके बताती है वो कि आ जाओ खाना आ गया। मैं वो सिग्नल ट्रांसमिट करती हूं। क्या करती है, उनके पास कोई वाईफाई होता है? मैम वो जो उनके पास वो एंट के पास अपना वो होता है वो एंटीनास, टू एंटीनास होते हैं जी। मैम एंट के पास टू एंटीनास होते हैं अपने, तो उसका मतलब है कि उसके पास अपना एक पर्सनल वाईफाई होता है, दो एंटीना होते हैं, तो वो दो एंटीना जो है वो पर्सनल वाईफाई है उसका। No, मेरा ख्याल है एक स्पेसिफिक वॉइस होती है जिसके थ्रू एक दूसरे को बुलाते होंगे, मैं भी हम लोग अंडरस्टैंड ना कर सकते हो। बेसिकली उनके पास कोई वॉइस नहीं होती, उनके पास एक केमिकल होता है जिसको वो रिलीज करती है, ठीक है। तो जब वो केमिकल रिलीज करती हैं, तो केमिकल हवा में रिलीज करती हैं, और आपने अगर डिफ्यूजन का प्रिंसिपल पढ़ा हो तो थोड़ी देर के बाद जो भी स्मेल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह बैठे हुए हैं, कोई परफ्यूम लगा के गुजरता है, तो थोड़ी देर तक आपको उसकी खुशबू आती रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन एक जगह से कंटिन्यूअसली वही सेम परफ्यूम लगा के लोग गुजरे हैं, तो आपकी जो स्मेल है परफ्यूम की वो कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। सो इसी तरह से एंट्स जो है वो एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं फेरोमोन, और जब उनको वो केमिकल मिलता है, सॉरी जब उनको कोई फूड मिलता है, तो वो क्या करती हैं जी, वो फेरोमोन रिलीज करते करते उस पाथ से वापस जाती हैं ताकि बाकी जो एंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकें, ठीक है। इतनी देर में जो बाकी एंट्स इधर उधर फूड ढूंढ रही होती हैं, अगर उनको उसका फेरोमोन नजर आ जाता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उस पाथ को फॉलो करेंगी, उनको नहीं पता कि वहां पर फूड है या नहीं है। अगर उनको फूड वहां मिल जाता है, ठीक है,
तो वो भी उसमें से कुछ पार्ट उठाएंगी और वापस अपना जो नेस्ट है वहां पर चली जाएंगी और वो उसी सेम पाथ से वापस जाएंगी जहां से पहले ही एंड गई थी और वो मजीद फेरोमोन रिलीज करेंगी तो फेरोमोन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर और एंड्स जो इधर उधर फिर रही होती हैं उनको भी अगर वो इंटेंसिटी समझ में आती है तो वो भी उसी को फॉलो करेंगी, फूड लेंगी और वहीं से वापस जाएंगी पाथ को फॉलो करते हुए और उनकी इंटेंसिटी जो है वो भी फिर उस पाथ की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। सो एवेपोरेशन जो है यहाँ पर मेजर कॉन्सेप्ट है। एवेपोरेशन मेजर कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप एवेपोरेट नहीं करेंगे फेरोमोन तो ऐसा पाथ भी हो सकता है जहां पर एंट ने फेरोमोन रिलीज किया हो लेकिन वहां पर उसको कोई फूड ना मिला हो। ठीक है। सो फेरोमोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होना शुरू कर देता है और डेफिनेटली अगर एक ऐसा पाथ है जहां से कॉन्टिन्यूसली फेरोमोन गुजर रहा है, एंड्स गुजर रही हैं, तो वहां पर फेरोमोन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ प्लेस जहां पर फेरोमोन की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि ये तो एंड का एक बेसिक मेथड है। ठीक है। और ये तो हर एनिमल में होता है। ठीक है। जो भी एनिमल ग्रुप्स में रहते हैं, फॉर एग्जांपल शेर अगर ग्रुप में रहते हैं तो जब वो शिकार के लिए निकलते हैं तो बाकी सारे शेर उनके आसपास ही रहते हैं। अगर उनके आसपास नहीं होते तो वो आवाज़ दे के बुलाते हैं, हाउल करके बुला लेते हैं। ठीक है। इसी तरह जो आपके जेकॉल्स हैं, गीदड़ हैं, लूमड़ियाँ हैं, वो इसी तरह अपने बाकी एनिमल्स जो हैं उनको अगर खाना मिलता है तो वो बाकियों को वो बुलाते हैं। ठीक है। तो ये तो इन्होंने बुला लिया। अब हमारा जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि हमें तो ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तो क्या एंट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकेंगी इस फेरोमोन के जरिए या नहीं? ठीक है। तो उसके लिए ना हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो ये आपने देखा है जी, एंट थी, ये अपने नेस्ट से फूड लेकर फूड लेने जा भी रही है और फूड लेकर वापस जा भी रही है। ये उनका एक पाथ बना हुआ है। हमने उसके पाथ में एक ऑब्स्टिकल रख दिया इस तरफ से। ठीक है। जो इस तरफ से कम है, ए साइड से कम है और बी साइड से ज्यादा है। इमेजिन करें कि उन्होंने ऐसे जाना है उसको क्रॉस करके। ठीक है। वो इसके ऊपर से क्रॉस करके नहीं जा सकती, इसके ऊपर से नहीं चढ़ सकती, उन्होंने साइड से ही जाना है। ठीक है। तो ए साइड के ऊपर पाथ जो है वो कम है, बी साइड के ऊपर पाथ जो है वो ज्यादा है। व्हाट डू यू थिंक कि एंट्स किस पाथ को प्रेफर करेंगी, ए को या बी को? कीप इन माइंड उनके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, उनके पास कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है, कोई इतनी अच्छी आंखें नहीं है कि वो दूर तक देख लें और डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। उन्होंने जो काम भी करना है उन्होंने फेरोमोन की बेसिस पे करना है। हाँ जी। सब लोग यहाँ पर हैं या सो रहे हैं? जी हम जहाँ से फेरोमोन केमिकल आ रहा है वहीं पे जाएंगे। वो तो कहीं दोनों जगहों से आ रहा होगा, ए से भी आ रहा होगा, बी से भी आ रहा होगा। आप देखें दोनों जगहों से जा रही हैं वो, बट इवेंचुअली वो ए को सिलेक्ट करेंगे या बी को सिलेक्ट करेंगे, ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एंड जो है उनके साथ आप कभी इस तरह से करें तो वो 10-15-20 मिनट के बाद एक पाथ को सिलेक्ट कर लेंगी, वो दोनों पाथ के ऊपर नहीं जाएंगी। वो कौन सा पाथ सिलेक्ट करेंगी, क्या आपका ख्याल है? हाई डेंसिटी वाला। हाई डेंसिटी वाला कौन सा पाथ होगा? ए का डिस्टेंस थोड़ा है, बी का डिस्टेंस ज्यादा है, तो डेंसिटी की स्मॉल वाले की डिस्टेंसिटी ज्यादा कैसे हो सकती है? स्मॉल वाले की डेंसिटी ज्यादा कैसे हो सकती है? देखें इस वजह से
क्लोज है वो। क्लोज होने से क्या ताल्लुक है फेरोमोन की इंटेंसिटी का? कम एरिया में ज्यादा वो होगा उसकी स्मेल। नो, कम टाइम के अंदर एंट्स ज्यादा पास कर सकती है, ठीक है। सो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें और हम ये कहते हैं कि एक एंट यहां से गुजरी, ठीक है, बी से, और बी पे वापस आई, ठीक है। एक और एंट जो है वो ए से गुजरी और ए से वापस आई, ठीक है। बी को अगर हम कहते हैं ना कि वन यूनिट लगेगा एक तरफ जाने का, तो बी जो है वो वन प्लस वन है, तो बी वाली एंड को टू प्लस टू टाइम लगेगा और ए वाली एंड को वन प्लस वन टाइम लगेगा, ठीक है। यानी कि जितनी देर में बी से एक एंड पास की है, ए से दो एंड्स पास करके टू एंड फ्रो वापस मूव कर सकती है, ठीक है। सो यहां से आने और जाने की स्पीड ज्यादा होगी, एंड ज्यादा तेजी से आएंगी जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फेरोमोन की इंटेंसिटी जो है वो एवेपोरेट नहीं होगी, वो कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्स होती जाएगी, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद एंड्स जो है वो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द फेरोमोन इंटेंसिटी स्मॉलर पाथ को भी चूज कर लेगी, ठीक है। क्लियर है जी? यस मैम। किसी को यहां तक कोई इशू? अब हम आते हैं इसकी मैथमेटिक्स की तरफ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मिड टर्म आपका संडे को है 12 बजे इंशाल्लाह। और जो हमने अभी हिल क्लाइंबिंग पढ़ी है और एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी है, इससे रिलेटेड दो एक्टिविटीज हैं, थोड़ी बड़ी एक्टिविटीज हैं लेकिन हैंड रिटन है, ठीक है। तो वो मैं अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह जल्दी, आजकल में। उसकी जो सबमिशन है वो नेक्स्ट वीक हो, ठीक है। अच्छा जी, सो ये वही बताया हुआ है कि डिस्टेंस है डिस्टेंस 1। मैम अगर मिड सैटरडे को कर लें? मिड सैटरडे को कर लें, क्यों? मैम मेरी कजन का निकाह है। कितने बजे निकाह है? मैम संडे को, तो फिर आपको पता है काफी टाइम वगैरह लग जाए। कितने बजे है? शाम को ही है ना, तुम 12 बजे पेपर दे दो। अब तुम्हारी कजन के निकाह से मैंने पता है पिछले सेक्शन भी मान गया कि 12 बजे पेपर देंगे। इस तरह तो मैं अगर हर एक देखना शुरू करूँ ना तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, आई नो हर कोई इंजॉय करना चाहता है लेकिन एक क्लास ने कर लिया ना, एक पूरी क्लास मान गई है, आपकी भी क्लास में आई थिंक आपके अलावा किसी को कोई इशू नहीं लग रहा मुझे लगता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है इस तरह। मैम ये इंक्लूड होगा कि नहीं जी? ये जो आज स्वाम हमने मेथड पढ़ा है और आंट वाला, ये इंक्लूड होगा कि नहीं? नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा, आपके मिड टर्म के अंदर अल्फा बीटा प्रूनिंग तक आएगा। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था जी एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, जो भी हमने पढ़ी है ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ी है कि कैसे रियल लाइफ में एंड करती है काम। अब हम इसकी एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन देखेंगे और इसके सारे फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। सो इसको हम अप्लाई करते हैं, एक बड़ी वेल नोन प्रॉब्लम है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। उस प्रॉब्लम का नाम है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का नाम सुना हुआ आप लोगों ने? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ये होता है कि आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे पुराने जमानों में लोग घर घर जाके बेचते थे चीजें, शॉप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बाजार नहीं होते थे। आज से 50-60 साल पहले बाजार इस तरह सच नहीं होते थे, और अगर बाजार होते भी थे तो खवातीन बाजारों में नहीं जाकर घूमती थी, ठीक है। तो उनके लिए फिर वो लोग जो थे वो घरों में लेकर आते थे चीजें, ठीक है। सो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है इसकी इंस्पिरेशन वहां से आई है, और रियल लाइफ के अंदर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को किस कहां पर यूज किया जाता है जी? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल होती है आपके ये राउटर और नेटवर्किंग की, ठीक है। कि आपने आपने फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट भेजी एक सर्वर को, ढेर सारे लोगों ने, ठीक है, ढेर सारे लोगों ने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी डिफरेंट जगहों से। अब वो डिफरेंट जगहों से जो सर्वर ने जो रिस्पॉन्स देना है वो डिफरेंट जगहों को उसने जाकर रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। और उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है सर्वर ने अपने आप को वापस कि मैंने उनसे जो फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट्स हैं उनसे एक्नॉलेजमेंट लेकर सर्वर ने अपने आप
मतलब अपने आप को वापस सेंड करनी है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सो ये जो एप्लीकेशन है ट्रैवलिंग सेल्समैन की, और भी बहुत सारी जगहों पर होती है, लेकिन ये बड़ी इसकी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको इजीली समझ आ सकती है। सो वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपने ऑल सिटीज को विजिट करना होता है वंस, ठीक है, और आपने स्टार्टिंग लोकेशन के ऊपर दोबारा आना होता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं टूर, ठीक है। और टूर ऐसा होना चाहिए जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। टूर इसको क्यों कहते हैं, हम इसको पाथ क्यों नहीं कहते, पाथ वो होता है जिसमें आप स्टार्ट से गोल तक जाते हैं, ठीक है। टूर वो होता है जिसमें आप स्टार्ट से शुरू करके वापस स्टार्ट तक वापस आते हैं, उसको हम कहते हैं टूर, ठीक है। सो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ACO हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे N सिटीज, एंड मल्टीपल सिटीज होंगी और मल्टीपल एंड्स होंगी, ठीक है। अब मल्टीपल एंड्स हमने क्यों लिया जी, हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एंड को रिलीज करना शुरू करेंगे, वो तमाम की तमाम जो है डिफरेंट सिटीज को विजिट करेंगी। एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से एंड्स ने यहाँ पर स्मॉलर पाथ चूज किया था, वो उन सिटीज का भी स्मॉलर पाथ जो है वो चूज कर लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ पर इशू जो आता है ना, वो मेन इशू ये आता है कि एंड है वो यहाँ खड़ी हुई है, वो यहाँ से यहाँ भी जा सकती है और वो यहाँ से यहाँ भी जा सकती है। दोनों सिटीज जो हैं वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे हैं, एंड किसको चूज करे बेचारी? एंड बेचारी अब किसको चूज करे? रैंडमली किसी को भी चूज कर सकती है मेरा ख्याल। रैंडमली वो किसी को भी चूज कर सकती है, ठीक है। ये तो पहली एंड थी जिसने रैंडमली चूज कर लिया, अगली एंड आएगी तो वो क्या करेगी? मैम वो पिच जो आगे एंड होगी उसको फॉलो कर लेगी। नहीं, वो फॉलो कैसे करेगी? वो बड़ी स्कूल जाती है कि उसको पता होगा फॉलो कैसे करना है, या वो कोई स्पाई है जिसने फॉलो करना है? और हमने फेरोमोन की भी तो बात की थी ना, सिर्फ डिस्टेंस की बात तो नहीं है। वो केमिकल रिलीज होगा ना फर्स्ट वाली आंट ने, तो मैं भी उसको फॉलो करते हुए मैम वो उस तरफ चले जाए जी। यहाँ पर पहली एंट आई, उसने रैंडमली इसको चूज कर लिया, ठीक है। जब उसने इसको चूज किया तो उसने डेफिनेटली यहाँ पर फेरोमोन रिलीज किया। दूसरी एंट आई, उसने देखा जी डिस्टेंस दोनों का सेम है लेकिन यहाँ पर फेरोमोन की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसने प्रायोरिटी दी इस बात। जब उसने प्रायोरिटी दी इस बात को, तो इस बात के ऊपर फेरोमोन की इंटेंसिटी और ज्यादा होगी। तीसरी एंट आई तो वो भी इसी को देखेगी, चौथी एंट आएगी वो भी इसी को देखेगी, और तमाम की तमाम एंड्स जो हैं फिर इसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है, इसमें हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है किस चीज की प्रोबेबिलिटी के एंड है वो यहाँ खड़ी है, आगे वो यहाँ पर जा सकती है, तो वो किसको सिलेक्ट करेगी दोनों में से, ठीक है। तो किस सिटी को सिलेक्ट करना है, वो जो चीज है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एक आपका डिस्टेंस और एक आपकी फेरोमोन की इंटेंसिटी। सो फेरोमोन की इंटेंसिटी जो है वो आप टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये टॉर्क एक ग्रीक साइन है, ग्रीक अल्फाबेट है टॉर्क, इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टॉर्क का मतलब ये है कि आपकी सिटी है आई और आपकी सिटी है जे, इन दोनों के बीच में फेरोमोन की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। दूसरी चीज है जी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी जो है दैट इज, इसको बोलते हैं ईटा, ये भी एक ग्रीक अल्फाबेट है। विजिबिलिटी जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। विजिबिलिटी जो है डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, यानी कि डिस्टेंस अगर दो सिटीज का, दो पॉइंट्स का ज्यादा होगा तो विजिबिलिटी क्या होगी? विजिबिलिटी क्या होगी जी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो विजिबिलिटी क्या होगी? रेसिप्रोकल जी, विजिबिलिटी कम होगी। अगर डिस्टेंस कम होगा तो विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। सो दो चीजों के ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, हमारा वो है जी इंटेंसिटी है और विजिबिलिटी है। सो हम क्या करेंगे जी, इंटेंसिटी और विजिबिलिटी दोनों की बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि एक एंट ने कहाँ पर मूव करना है। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी में हम कहते हैं कि हमेशा हम प्रोबेबिलिटी में पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल हम करते हैं,
ठीक है, यही होती है ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को फिर जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो वो परसेंटेज बन जाती है, ठीक है। सो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है जी? प्रोबेबिलिटी है दो सिटीज हैं आई और जे, आई और जे को हमने सिलेक्ट करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंटेंसिटी एंड विजिबिलिटी। किस चीज का इंटेंसिटी और विजिबिलिटी? तमाम एंड्स जो के एंड, जो अभी हमारे पास एंड है के, तमाम एंड्स जो एंड के से पहले इस पाथ पर मूव कर चुकी हुई हैं, जब वो आई पर आई थी तो उन्होंने कौन सा सिटी चूज किया था, ठीक है। उन्होंने कौन सा सिटी चूज किया था ये हमें क्यों चाहिए जी? ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर एंट के से पहले 10 एंट्स ने मूव किया है और 10 की 10 एंट्स जो हैं उन्होंने जे सिटी को ही सिलेक्ट किया है, दैट मींस के वहीं पर फेरोमोन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और हमें भी उसी को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मिस। अच्छा, अब अल्फा और बीटा जो है ना, ये दो वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, सॉरी। वो कहा था कि इंटेंसिटी जो है वो एवेपोरेट करती है फेरोमोन की, फेरोमोन एवेपोरेट करता है तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम या ज्यादा होती है। तो कम या ज्यादा का जो प्रोसीजर है वो कौन कंट्रोल करेगा? वो अल्फा कंट्रोल करेगा। अगर तो अल्फा को हमने यहाँ पे अल्फा को रखा है लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो। अगर तो अल्फा जो है उसको हम वन कर दें, हमने वन क्यों नहीं किया? वन इसलिए नहीं किया कि अगर तो हम अल्फा को वन कर देंगे तो इंटेंसिटी तो हमेशा सेम रहेगी, एवेपोरेट कभी भी नहीं होगी, ठीक है। सो इसलिए इंटेंसिटी लेस देन वन है और ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो क्यों है जी? कि आप कोई भी नंबर लें उसकी पावर जीरो कर दें तो वो वन आ जाता है, ठीक है। सो कांस्टेंट को और वन को खत्म करने के लिए हमने इसको लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो रखा है। इसी तरह जो बीटा है उसकी जो वैल्यू है वो भी इसी तरह से ही होगी, लेस देन, जैसे अल्फा की वैल्यू है ना वैसे ही बीटा की वैल्यू भी होगी, ठीक है। अच्छा जी, सो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। फर्स्ट एंड आई है, फर्स्ट एंड जो है वो वन से थ्री पे गई है, थ्री से फोर पे गई है। अब फोर से उसके पास दो तीन पॉसिबिलिटीज है, फाइव है, टू है और वन है। वन पर तो उसने सबसे आखिर में जाना है क्योंकि वन तो उसने विजिट कर लिया एंड वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फोर और टू में से वो किसको सिलेक्ट करेगी? उसका डिस्टेंस कम है और देखिए इंटेंसिटी तो दोनों जगहों पर भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो वो फाइव को सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें, एक एंड है वन, एक एंड है वो आई वन से फोर पे। अब फोर से उसके पास पॉसिबिलिटी है फोर पे जाने की, थ्री पे जाने की और थ्री पे जाने की। और ये जो ब्लू एरिया है ना ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेरोमोन इंटेंसिटी को, और फाइव एंड थ्री का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है तो वो किसको सिलेक्ट करेगी? थ्री को सिलेक्ट करेगी, ठीक है। सो वो क्या करेगी, यहाँ से वो थ्री पर मूव कर जाएगी और यहाँ पर इंटेंसिटी फेरोमोन की फोर थ्री के ऊपर और ज्यादा, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या करना है जी? हमने प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली थी कि आई और जे के ऊपर जब एक एंड आती है, आई से उसने जे पर जाना है या आई से उसने के पर जाना है या आई से उसने एल पे जाना है तो किसको सिलेक्ट करेगी, वो फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया था प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो अभी हमने पहले देखा था। अब जब एंड है उसने सारे का सारा पाथ मूव कर लिया, तमाम सिटीज को विजिट कर लिया, वो वापस स्टार्टिंग स्टेट के ऊपर आ गई है, तो अब नेक्स्ट एंड की बारी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड की बारी आने से पहले हमने फेरोमोन्स को अपडेट करना है, ठीक है। फेरोमोन को अपडेट हमने क्यों करना है? हमने इसलिए अपडेट करना है कि जहां से ये एंड गुजरी है, ठीक है, उन पार्ट्स का फेरोमोन इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसको इसने नहीं चूज किया उनकी फेरोमोन इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो जो फेरोमोन इंटेंसिटी हमने कम करनी है उसको हम इस फैक्टर से कम करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे, हम कहेंगे कि ये टॉर्क है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, फॉर्मूला के अंदर क्या यूज किया था? टॉर्क आई जे, ठीक है, टॉर्क आई जे हमने यूज किया था। अब हम कर रहे हैं टॉर्क आई जे टी प्लस वन, ठीक है। टी प्लस वन का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे जिसमें उसने एंड में
ट्रेवल करके वो चली गई है, ठीक है। तो उसमें हम ये कहेंगे कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, जो आपकी इंटेंसिटी है उस पाथ की, जो टाइम इंटरवल टी के ऊपर थी, उसको मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस रो से। अब रो क्या है जी, रो भी एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, और रो जो है वो कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगी एंड लेस देन वन होगी, ठीक है। लेस देन वन क्यों होगी, इसलिए क्योंकि वन माइनस वन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप उसको जीरो रखते हैं रो की वैल्यू को, तो वन माइनस जीरो, तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो एज इट इज रहेगी, और डेफिनेटली आप ये नहीं करना चाहते। सो वॉट विल यू डू, आप रो की कोई वैल्यू रख लेते हैं, सॉरी फॉर एग्जाम्पल 0.5, और आपने कहा जी 1 माइनस 0.5, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो टाइम इंटरवल टी के ऊपर इंटेंसिटी थी दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ ऑन टाइम इंटरवल टी प्लस वन, ठीक है, ठीक है। अब ये तो था कि हमारा जो फेरोमोन की इंटेंसिटी एवेपोरेट होनी थी, ठीक है, जो एंट्स ने मूव किया सारा एवेपोरेट होनी थी। अब हमने ये भी देखना है कि जो हमारी एंट गुजरी है, ठीक है, पाथ्स के ऊपर से, वो कौन कौन से पाथ्स के ऊपर से गुजरी है, और उसकी इंटेंसिटी जो है, उन पाथ्स की जो इंटेंसिटी है उनको हमने देखना है, ठीक है। ये तो ओवरऑल आप देखो, ये चीज जो है ये ओवरऑल पूरा आपके पास एक सिस्टम है डिफरेंट सिटीज का, ठीक है, ये डिफरेंट सिटीज का चार नोड्स हैं, इन चारों नोड्स के ऊपर ये सारे के सारे जो पाथ्स हैं उनकी इंटेंसिटी जो है ये ओवरऑल कम हुई है, ठीक है, ये वो चीज है कि ओवरऑल इनकी इंटेंसिटी कम हुई है। अब ये नेक्स्ट जो समेशन है ये इस चीज पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी एंट अभी अभी गुजरी है उसने जो पाथ लिया है उस उन पाथ के ऊपर इंटेंसिटी जो है ऐड करनी है, ठीक है। उस पाथ के ऊपर इंटेंसिटी ऐड करने का मतलब ये है कि जो पाथ उसने, फॉर एग्जांपल, उसने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया है, इस पाथ को मूव किया है और इस पाथ को उसने मूव किया है और बाकी दोनों को उसने मूव नहीं किया, ठीक है, तो ओवरऑल सबकी इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है, लेकिन इन दोनों पाथ्स की इंटेंसिटी जो है वो ऐड हुई है और इसके अंदर इंटेंसिटी ऐड नहीं हुई है, ठीक है, तो डेफिनेटली इन दोनों पार्ट्स की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। और जो ये वाला है फॉर्मूला है ये डिपेंड करता है इस पार्ट पे, और ये क्या कह रहा है जी, एल के जो है ये आपका बेसिकली डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, वही जो आपकी विजिबिलिटी आ जाती है, और ये कह रहा है कि अगर एंट ने एक पाथ लिया है तो ये वैल्यू होगी, यानी कि उसकी डिस्टेंस की इक्वल वैल्यू होगी, अगर उसने पाथ नहीं लिया तो वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि जो इंटेंसिटी है एंट ने अगर इस वाले पाथ को फॉलो किया है, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, अगर हमारे पास ये पाथ थे और हम कह रहे हैं कि ओवरऑल सबकी हमने इंटेंसिटी रिड्यूस कर दी, ठीक है, ड्यू टू दिस फैक्टर, ठीक है, और फिर हमने कहा कि एंड हमारी जो अभी अभी गुजरी है ना उसने ये वाले पार्ट्स को ट्रेवल किया था, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये ऐसे कैलकुलेट होगा कि हम उस एंड को देखेंगे कि उसने कौन कौन से सिटीज को ट्रेवल किया, ठीक है, उसने इस सिटी को और इस सिटी को उसने ट्रेवल नहीं किया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसने इस सिटी को और इस सिटी को ट्रेवल किया है तो उसकी वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम, किस हो गए? नहीं मैम, सर। अच्छा जी, सो ये एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक एंड जो है उसने 1 से स्टार्ट करके 1, 4, 3, 2, 5 और 1 पे दोबारा आई, दूसरी एंड जो है 1, 3, 4, 2, 5 एंड 1 पे आई, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि तीसरी एंड के आने से पहले पहले फेरोमोन इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी, किन पाथ्स के ऊपर फेरोमोन? दोबारा क्वेश्चन करिए। मैं कह रही हूँ कि एक एंट ने ये वाला पाथ फॉलो किया जिसका डिस्टेंस 45 है, एक एंट ने ये वाला पाथ फॉलो किया जिसका डिस्टेंस 55 है, अब थर्ड एंट ने आना है, ठीक है, तो थर्ड एंट के आने से पहले पहले हमने फेरोमोन इंटेंसिटी जो है ना उसको अपडेट करना है, तो
कहाँ पर फेरोमोन इंटेंसिटी जो है, कौन से पार्ट्स के ऊपर फेरोमोन इंटेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी? स्मॉलर डिस्टेंस वाले। अच्छा और जी क्या कह रही हैं? दोबारा बताएं। फर्स्ट आर्म को फॉलो करेगी ना मैम डिस्टेंस जिसकी 45। नहीं अभी एक और स्टूडेंट भी कुछ बता रहा था। मैम मैंने बोला था 5-2-1। 5-2-1 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। देखिए जहां से ज्यादा एंड्स गुजरी हैं वहां पे फेरोमोन की इंटेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। 5-2 के ऊपर ज्यादा होगी, 4-3 के ऊपर ज्यादा होगी और 5-1 के ऊपर ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि ये पाथ जो है ये वो पाथ है जो दोनों एंड्स ने चूज किए हैं। ठीक है, तो अगर दोनों एंड्स बार बार वहां से गुजरी है तो इन पाथ की इंटेंसिटी जो है ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये देखो ये मैंने बोल्ड होक कर दिए हैं यहाँ पे और बाकी पाथ जो है वहां पर इंटेंसिटी मौजूद है, यानी कि एंड्स ने ये पाथ जो है इनको फॉलो किया है। ठीक है, अब थर्ड एंड आती है। ठीक, अब थर्ड एंड आती है। थर्ड एंड वन पे खड़ी है, वो वन से टू पे जा सकती है, फाइव पे जा सकती है। वो कहाँ जाएगी? टू पे जाएगी, फाइव पे जाएगी? फाइव पे जाएगी। यहाँ फेरोमोन इंटेंसिटी और ज्यादा होगी। अब फाइव से वो कहाँ जा सकती है? फाइव से थ्री पे जा सकती है, थ्री पे, लेकिन डिस्टेंस भी ज्यादा है और फेरोमोन की इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फाइव से फोर पे जा सकती है, डिस्टेंस थोड़ा है, फेरोमोन इंटेंसिटी नहीं है। फाइव से टू पे जा सकती है, डिस्टेंस ज्यादा है, फेरोमोन इंटेंसिटी भी ज्यादा है। टू पे जाएगी, फाइव से टू पे जाएगी। एक मिनट, फाइव से टू पे जाएगी। हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने कहा था इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय विजिबिलिटी। और विजिबिलिटी क्या थी? विजिबिलिटी जो थी दैट वाज वन ओवर डिस्टेंस, यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो विजिबिलिटी की वैल्यू छोटी हो जाएगी। हाँ जी बताएं, फाइव से और टू पे जाएगी, फोर पे जाएगी? आई थिंक फाइव से टू पे जाएगी। फाइव से फोर पे जाएगी। ठीक है, फाइव से वो फोर पे जाएगी, टू पे बहुत कम चांसेस है उसके जाने के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 5 से 4 पर देखें तो हमारे पास विजिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, इंटेंसिटी वैल्यू जो होगी बिल्कुल ही कम होगी, बल्कि ना होने के बराबर होगी। 5 से 2 पे हमारे पास विजिबिलिटी बहुत कम होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो 4 को चूज करेगी। ठीक है, सपोज कर ले वो 4 को चूज कर लेती है, सो 4 पे इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, तो इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। हमने कहा था कि इंटेंसिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीरो एंड वन, रिमेम्बर टॉ के ऊपर पावर होती है, तो अगर हम उसको वन कर देंगे तो टॉर्क जो है इंटेंसिटी कभी भी कम नहीं होगी और जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो देखो अगर एक चीज जीरो हो गई है ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है ना टॉर्क मल्टीप्लाई बाय विजिबिलिटी क्या होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, नीचे समेशन जो है जीरो डिवाइड बाय समथिंग जो है वो भी जीरो हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी तो आएगी नहीं किसी चीज की। ठीक है, फिर कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे? टॉर्क हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, कोई मिनिमम वैल्यू जरूर वहां पर मौजूद होगी। ठीक है, इसी तरह विजिबिलिटी जो है ना उसकी भी कोई मिनिमम वैल्यू जरूर मौजूद होगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? अगर आप इंटेंसिटी को जीरो कर देते हो, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज जीरो, जीरो डिवाइड बाय समथिंग इज जीरो और प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो सपोज करें आपने
फोर को सिलेक्ट कर लिया, फोर से सीधा सीधा है जी, फोर से थ्री का डिस्टेंस भी कम है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है जी, तो हमने फोर से थ्री को सिलेक्ट कर लिया। इंटेंसिटी इसकी और ज्यादा होगी, जब हम थ्री पर गए तो वहां से हम जो है वन पर जा सकते थे, बट वन स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां हमने जाना नहीं है, फाइव और फोर ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हुए हैं। तो देयर इज एन ओनली वन थिंग, एक वन पाथ रहता है जहाँ पे फेरोमोन की इंटेंसिटी थोड़ी सी मौजूद है और थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। तो थ्री से टू पर चले गए और फिर हम क्या करेंगे, टू, जब हम टू पे आएंगे तो इसका मतलब है कि हमने तमाम सिटीज को विजिट कर लिया है और टू से अब हमने क्या करना है, वन पर वापस जाना है, ठीक है। सो जब चौथी आंट आएगी तो ये जो ये अंदर वाले पाथ्स हैं इनकी आप समझ लें इंटेंसिटी जो है थोड़ी और रिड्यूस हो चुकी होगी। और रिड्यूस होने का मतलब ये है कि और रिड्यूस होने का मतलब ये है कि ये कम हो जाएगी, ठीक है, और ये 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 और ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होंगे, ठीक है। अब जब चौथी एंट आएगी तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, वन फाइव और वन टू में से फाइव को सिलेक्ट करेगी और इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फाइव फोर को सिलेक्ट करेगी इंटेंसिटी ज्यादा, फोर थ्री की और ज्यादा, थ्री टू की और ज्यादा, ठीक है, टू वन की और ज्यादा, ठीक है। अब पांचवी एंट आएगी वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगी, पांचवी एंट तक आने तक ये पाथ बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे ये वाले फेरोमोन्स वाले, ठीक है, और ये बिल्कुल हल्का सा शायद बचा, ठीक है। छठी एंड जो है वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगी और हर चीज अंदर से खत्म हो चुकी होगी, ठीक है, और तमाम एंड्स जो है वो इसी पाथ को फॉलो करेंगी एंड दैट इज द मिनिमम पाथ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है मैम, ठीक है। आफ्टर सम माइग्रेशंस ये वाला पाथ फॉलो हो रहा होगा। सो ये इसका सूडो कोड है, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस है, ठीक है, बस रूट्स आपने निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि बसेस को आप देखो ना तो बसेस जहाँ से शुरू करती हैं अपना एक ग्राउंड पूरा करके वहीं पे वापस आती हैं, ठीक है। इसी तरह गार्बेज कलेक्ट करना है आपने डिफरेंट एरियाज से, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर ऑनलाइन जो ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, एयरलाइन कंपनीज आपने आप में से पता होगा जिन लोग जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, जो लोग सऊदीया वगैरह के हैं, आप जो भी एयरलाइन लेते हैं जिस भी कंट्री की, वो पहले अपने कंट्री में लैंड करती है उसके बाद कहीं जाती है, ठीक है। सो ये इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, ये सारा इसकी जो फॉर्मूला जो हम ज्यादा ही हमने सारा फॉर्मूला पढ़े थे, ये वाला है और ये प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला भी आगे आएगा, ये प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला, ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने सिर्फ इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है और मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ अब। एक्सक्यूज मैम, जी जी मैम, स्लाइड अपलोड कर दीजिएगा, मैं ये स्लाइड अपलोड करती हूँ। V5 है ना ये, यस मैं से फायर, आतिका जिसकी अटेंडेंस में बोल रही ना प्लीज प्रेजेंट ना बोले, अपना हैंड रेज करते प्लीज, ठीक है। आतिका अब्दुल मनान, अब्दुल मुईद, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान खालिद, सना जब आपकी बारी है उस वक्त हैंड रेज करें, अबू बैद, ठीक है जी, अहमद दाऊद, एहतशामुल हक, बुशरा, अच्छा जी, फातिमा,
फातिमा, गुलरेज, मुबशिर, असद, असद, शाहजेब, कशब, कशब मुईन, कशब सलीम, हकान, हारिस, उसामा, मोहसिन फारूक, मुदस्सिर फारूक, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम, असनान सुल्तान, मैम मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट, अच्छा जी असनान है, अच्छा हैदर, हमजा शफीक, हारिस, मोहम्मद हारिस, मुआज अनवर, मुबशिर अजीम, रिजवान, शाहजेब अली, उसामा वहीद, यलमाज, जिशान, यस मैम, जुबैर, नसीबुल्ला, उसामा तारिक, सना हमीद, शालीम, शालीम, शिराज, तलहा मजीद, उसामा, उसामा हसनैन, उस्मान बशारत, जुबैर मोहम्मद, मैम अब्दुल रहमान मार्क कर दें जी, अब्दुल रहमान पहले yes, मैम वो मैम वो ज़ूम डिस्कनेक्ट हो गया था, अब्दुल रहमान खालिद, यस मैम, चलें जी सबकी लग गई आई थिंक अटेंडेंस, कोई रह तो नहीं गया, मैं साहब से पूछना था पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसी एक्टिविटीज आती हैं, ठीक ठीक है चलें जी, और किसी का टाइम कितना होगा, टाइम 2 घंटे, और आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, नहीं तो इसको एंड करते हैं, मैम क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन अभी मैंने सोचे नहीं है पर 2 घंटे में आराम से हो जाएंगे, ओके ठीक है जी चलें, थैंक यू सो मच।